हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन्स को कंप्लीट किया था। अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई बायोलॉजी की एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट सिर्फ पॉलीसेक्राइड है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। नीट में पूरा कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टॉपिक सिर्फ बायोलॉजी में नहीं है, केमिस्ट्री में भी प्रेजेंट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट अच्छे से कंप्लीट करना है, तैयार करना है। तो ये बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड्स भी बोल सकते हैं, सैकराइड्स। और सैकराइड्स का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। सैकराइड का मतलब क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट, क्लियर। और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर्स। तो ये तो बात हुई कि सैकराइड्स का मतलब क्या है। अब व्हाट अबाउट कार्बोहाइड्रेट? तो एक बहुत ही क्लासिकल डेफिनेशन चली आ रही है हमेशा से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स हैं हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपसे कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सिंपली जवाब दीजिए कार्बोहाइड्रेट होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का भैया? मतलब क्या है बताइए। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन के क्या हैं? हाइड्रेट्स फॉर्म है, ठीक है ना, हाइड्रेट्स फॉर्म है। जैसे अगर मैं बात करूं कि CHO कार्बोहाइड्रेट में जो C, एक तो C होता है, एक H होता है, एक क्या होता है? O होता है। और इनका जो रेशियो होता है वो 1:2:1। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि CH2O, क्योंकि अगर C एक होगा, O एक होगा, तो H की संख्या कितनी होगी? दो। कार्बोहाइड्रेट के अगर हम लोग जर्नल फॉर्मूले की बात करें, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फॉर्मूला देखें बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2O का होल N, या फिर इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2nOn। तो इसीलिए यहां पे आपको दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सपोज जैसे यहां पे n बराबर क्या है? n बराबर है नंबर ऑफ कार्बन। n बराबर यहां पे क्या है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन। सपोज हम लोग यहां पे n बराबर 6 लिखते हैं। मान लीजिए यहां पे हमने n बराबर क्या लिखा? 6। तो यहां पे सब में n बराबर 6 करके देखिए, तो C6, ओके, H2O का होल 6। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा C6H12O6, माफ करिए, C6H12O6। क्लियर भाई? देखो यहां पे 2 है ना, यहां पे 6 है, तो 6 2 जा 12, और यहां पे O की जगह क्या आ गया? 6। तो ये क्या बन गया आपका बेटा? ग्लूकोस, ग्लूकोस। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। और यहां पे CHO का रेशियो 1:2:1 होता है, और जर्नल फॉर्मूला CnH2n का होल n, या फिर CnH2nO n होता है। और अगर n की बात करें तो n बराबर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बदलता जाएगा, यहां पे n भी बदलता जाएगा, और उस हिसाब से आपका फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का तैयार होता जाएगा। अब ये तो इंफॉर्मेशन वो है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। लेकिन मैं आपसे बस कुछ बातें पूछना चाहता हूं, इसका आंसर भी दे दूंगा मैं फिलहाल। लेकिन अगर ऐसा है कि भैया कार्बोहाइड्रेट होने की शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वहां पे जो रेशियो है
सी एच ओ का 1:1 का रेशियो होना चाहिए। तो मैं गौर करवाना चाहता हूं एक एग्जाम्पल पे जो कि है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। अब एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है, इसको हम लिखते हैं CH3COOH। अगर आप गिन के देखेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1, 2। चलिए सरकार लिख दीजिए, कार्बन की संख्या कितनी है, 2। क्लियर। यहां पे एच की संख्या कितनी है, 3 और 1, 4। लिख दीजिए यहां पे एच की संख्या है 4। और यहां पे ओ की संख्या कितनी है, तो ओ की संख्या है यहां पे 2। और अगर आप इसे गौर से देखते हैं, अगर आप इसे गौर से देखते हैं तो C2H4O2। या तो मैं इसको लिख दूं कि C2H2O2, यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है CnH2O का होल n। अब अगर ऐसा है कि जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है, जो कार्बन का हाइड्रेट बन जाता है वही कार्बोहाइड्रेट है, तो एसिटिक एसिड भी आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बात समझिए आप, बात पते की है कि भाई अगर हाइड्रेट, सारे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट हैं, तो फिर एसिटिक एसिड CH3COOH यानी कि C2H4O2 या C2H2O का होल n भी कार्बोहाइड्रेट है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोग मुझसे बेहतर केमिस्ट्री जानते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप छोटे बच्चे हैं या आप ऐसी जर्नल बात करना चाहते हैं, तब तो आप ये बोल सकते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट, वरना ये डेफिनेशन गलत है। बहुत सारे बच्चों ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन के हाइड्रेट्स दिखते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। और बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे जो बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं होते लेकिन तब भी वो कार्बोहाइड्रेट हैं। अगर हम ऐसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक ऐसा ही एग्जाम्पल और है, जैसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लिखूं तो एक एग्जाम्पल होता है रैमनोज। क्या होता है, रैमनोज। और रैमनोज का बच्चों फॉर्मूला होता है C6H12O5। जरा गौर से देखिए C6H12O5। मैं फिर से कह रहा हूं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आपके हिसाब से या दुनिया के हिसाब से जो डेफिनेशन चल रही है उसके हिसाब से हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यहां पे C6H12O5 है। लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से C6H2O का होल 6, तो बात गलत है क्योंकि यहां पे तो क्या है, होल 5। और अगर ये होल 5 है तो हमारा क्या, 2H बचे रह जाएंगे। तो यानी कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है लेकिन तब भी रैमनोज जो है वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट है। रैमनोज क्या है बच्चों, रैमनोज कार्बोहाइड्रेट है, जबकि एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होने के बाद भी एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ना होते हुए भी रैमनोज कार्बोहाइड्रेट है। तो आप इतना तो समझ चुके होंगे कि अगर आपको नॉर्मल एक किसी तरीके से बोल देना है तो ये चल जाएगा कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं तो थोड़ा अवेयर रहिए, ऐसा नहीं बोला जाता कि जितने भी कार्बन के हाइड्रेट्स हैं वो सब क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, क्योंकि हमने एसिटिक एसिड देखा जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और हमने देखा रैमनोज जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है लेकिन तब भी कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स बोल सकते हैं, और सैकराइड्स क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए इन्हें शुगर्स भी बोलते हैं। बोलचाल के लिए आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसमें सी भी है, एच भी है और ओ भी है, और इनका रेशियो क्या होगा, 1:2:1। और जनरल फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है तो CnH2O का होल n या फिर CnH2n का ओ n।
ठीक है। यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। इसी तरीके से आपको मैंने एग्जांपल दिखाया है कि n बराबर 6 रख के किस तरीके से ग्लूकोज सामने आता है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने भी हाइड्रेट्स हैं कार्बन के, वो सब कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और जरूरी नहीं है ऐसा कि अगर कोई हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ना हो तो वो कार्बोहाइड्रेट ना ही हो, क्योंकि यहां पे ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है तब भी कार्बोहाइड्रेट है, और यहां पे ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है तब भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आगे की बात करते हैं। तो सर कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। गिनते रहिए क्या क्या होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के पास में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को वो किसी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। पहली बात, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है यानी कि OH होता है, वो मल्टीपल हो, यानी कि मल्टीपल OH होने चाहिए किसके पास में, उसके स्ट्रक्चर के पास में, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए। एनी सच कंपाउंड विच प्रोड्यूस देयर ऑन हाइड्रोलिसिस, या तो ये सब हो या फिर एक ऐसा कंपाउंड जो टूटने के बाद जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हो, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मल्टीपल OH ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, और या तो ये पहले से प्रेजेंट है या फिर ब्रेकिंग के बाद आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये सारे प्रॉपर्टीज उसमें प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से डिसाइड नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो बच्चों एक बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक कार्बोहाइड्रेट में कितनी यूनिट्स हैं उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट है, जैसे ग्लूकोज एक यूनिट है, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर एक यूनिट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो माने सिंगल, सैकेराइड माने शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट की एक सिंगल यूनिट को बोला जाता है मोनोसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं, अब हम इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। अगर 3 से लेकर 9 मोनो यूनिट आपस में जुड़ी हैं तो इनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और अगर 10 से लेकर कितनी भी, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 कितनी भी यूनिट अगर आपस में जुड़ी हुई हैं, तब हम उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्लियर? इस बात को लिख के देखते हैं हम लोग। तो अगर ओनली सिंगल यूनिट, तो हम इसको बोलते हैं मोनो सैकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। अगर 2 मोनोमर यूनिट्स, तो हम इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। अगर 3 to 9 मोनोमर यूनिट्स हैं तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और अगर मोर देन 10 यूनिट्स हैं तब हम इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो आपको समझ में आया ना कि अगर एक मोनोमर यूनिट है तो मोनोसैकेराइड, दो मोनोमर यूनिट आपस में कनेक्ट हैं तो डाइसैकेराइड, 3 से लेकर 9 मोनोमर यूनिट कनेक्ट हैं तो ओलिगोसैकेराइड, 9 से अधिक या 10 या 10 से अधिक कितने भी मोनोमर यूनिट जुड़ी हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या क्या हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स
क्या क्या हो सकते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग इस बात के बारे में। तो बच्चों यहां पे मोनोसैकेराइड का मतलब है, अभी हमने क्या जाना, मोनोसैकेराइड का मतलब होता है ओनली सिंगल यूनिट। अब मोनोसैकेराइड को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के नंबर के बेसिस पे अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड होते हैं। और ये जो कार्बन का नंबर है ना बच्चों, ये वेरी करता है 3 to 7 तक, क्लियर। यानी कि कार्बन नंबर 3, कार्बन का नंबर 4, कार्बन का नंबर 5, कार्बन का नंबर 6 एंड 7 होगा, तो यहां पे मोनोसैकेराइड अलग अलग तरीके का बनता चला जाएगा। आइए देखते हैं, अगर हम यहां पे कार्बन का नंबर 3 रख रहे हैं तो जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, और यहां पे n की जगह है 3, तो ये बनता है हमारा C3H6O3, और इसको हम बोलते हैं ट्रायोस। इसको क्या बोला जाता है, ट्रायोस। और ट्रायोस शुगर का एग्जाम्पल है, आपने बहुत पढ़ा होगा, ग्लिसरेल डी हाइड, क्लियर ना। तो ट्रायोस शुगर का एग्जाम्पल है ग्लिसरेल डी हाइड। आगे की हम लोग बात करते हैं, अगर यहां पे C बराबर 4 है तो C4H8O4, तो इसको हम बोलते हैं टेट्रोजिस। क्या बोलते हैं, टेट्रोजिस शुगर बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज, एरिथ्रोज। नेक्स्ट C बराबर अगर हम लोग 5 रखें तो यहां पे C5H10O5, इसको हम बोलते हैं पेंटोजिस। क्या बोलते हैं, पेंटोजिस। और पेंटोजिस का बच्चों बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो आपने पढ़ा है, वो है राइबोस। डीएनए की आरएनए की शुगर होती है राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस, और ये वाली शुगर किसकी होती है बच्चों, डीएनए की, और राइबोस शुगर किसकी होती है बच्चों, आरएनए की, ठीक है ना। तो यहां पे अगर C का नंबर कितना है, 5, तो क्या बनता है C5H10O5, यानी कि पेंटोजिस या पेंटोस, और ये शुगर किसकी, किसमें पाई जाती है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, जो कि किसमें पाई जाती है, डीएनए एंड आरएनए में। अगर यहां पे हम कार्बन का नंबर 6 रख देते हैं तो देखिए क्या चमत्कार होता है। अगर कार्बन का नंबर 6 रखा तो C6H12O6, और यहां पे हम बोल सकते हैं हेक्सोजिस या हेक्सोस, और हेक्सोस शुगर आप जानते हैं बहुत फेमस नाम है, ये है ग्लूकोस, और भी हो सकते हैं फ्रक्टोस एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हेक्सोस। अगर हम लोग यहां पे कार्बन का नंबर 7 रख देते हैं तो C7H14O7, इसको हम बोलते हैं हेप्टोजिस। क्या बोल सकते हैं, हेप्टोजिस। और हेप्टोजिस का बच्चों अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल होता है सेडो हेप्टुलोस। तो आपने यहां पे देखा कि मोनोसैकेराइड का मतलब होता है सिर्फ एक यूनिट। अब एक यूनिट में यहां पे कार्बन का नंबर वेरी करता जाता है, और जैसे जैसे कार्बन का नंबर वेरी करते हैं वैसे अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड बनते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं कि दो मोनोसैकेराइड हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा डाइसैकेराइड, और 10 से ज्यादा इसी तरह के मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनता है पॉलीसैकेराइड। तो आपको बेसिकली मोनोसैकेराइड सबसे ज्यादा पता होने चाहिए। और यहां पे कार्बन का नंबर कितना वेरी हो सकता है, C3 से लेकर C7, C1, C2 का कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, क्लियर। तो यहां पे आप ये देखिए कि ये हो गया है मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर है बच्चों, और आपको बहुत ज्यादा कठिन लगती है, समझ में नहीं आता स्ट्रक्चर कैसे बनाए, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि मैंने यहां पे इसका ग्लूकोज का नाम लिखा है
प्लस कैपिटल डी ग्लूकोज। तो यहां पे जो प्लस का सेंस है उस प्लस की जगह मैं यहां पे स्मॉल डी का भी यूज कर सकता था। किसका यूज कर सकता था? स्मॉल डी का यूज कर सकता था। और स्मॉल डी का यहां पे सेंस है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इस वाले डी का मतलब मैं आपको भी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक, ग्लूकोज को हम लोग एल्डोज शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे कौन सा ग्रुप होता है? यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। हमने शुरू में यह शर्त रखी थी कि कार्बोहाइड्रेट वही होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, मल्टीपल ओएच ग्रुप हो, और उसमें क्या हो, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो। तो देखिए यहां पे ये ऑप्टिकली एक्टिव है और यहां पे ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और अभी अब मैं आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि मल्टीपल ओएच ग्रुप भी प्रेजेंट है। क्लियर? यहां पे जो रिंग होती है उसको हम बोलते हैं पाइरेनोज रिंग। देखो बच्चों, शुरुआत में अगर हम लोग चैन मैनर देख रहे हैं, ग्लूकोज का चैन वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो कोई भी रिंग वहां पे नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोग पहले से जानते हैं ये बात, तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज चैन से रिंग में शिफ्ट हो सकता है और रिंग से किस में शिफ्ट हो सकता है, चैन में शिफ्ट हो सकता है। तो जब ये चैन से रिंग फॉर्म में आता है तो जो रिंग होती है यहां पे वो कौन सी रिंग होती है? पाइरेनोज रिंग होती है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखो, ग्लूकोज को हम और भी नामों से जान सकते हैं, जैसे कि ये यूनिवर्सल शुगर है। हमारे बॉडी में हर जगह कहीं ना कहीं जो भी शुगर है वो सब क्या है? ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो ये क्या है भाई? यूनिवर्सल शुगर है। दूसरा, आप जानते हैं कि फ्रूट्स में जो शुगर होती है वो होती है फ्रक्टोज। ध्यान दीजिए, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट्स। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सब में जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है। लेकिन अंगूर में, ग्रेप्स में जो शुगर होती है वो क्या होती है? ग्लूकोज होती है। ब्लड शुगर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कॉर्न में भी शुगर क्या होती है? मक्के में कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज होती है। और चूंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में शिफ्ट कर देती है ग्लूकोज, इसीलिए इसे हम डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। क्लियर? ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट थे, जर्नल पॉइंट थे, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसका आपको इंतजार है, वो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आइए समझते हैं। हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखो बेटा, C6H12O6 फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, और इसमें कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों। करेक्ट? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? 6 तो कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट भाई? 6 कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। जो फर्स्ट वाला बच्चों कार्बन है उसमें यहां पे प्रेजेंट है O, और यहां पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? H। क्लियर? यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH, और उसके अपोजिट साइड में जहां जहां हमने OH लगाया है उसके जस्ट अपोजिट साइड में H। क्लियर? अब आपने देखा कि मैंने यहां पे कार्बन नंबर 3 में ऐसा नहीं किया है, क्योंकि यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है कार्बन नंबर 3 में H और OH का वो थोड़ा सा डिफर है। तो कार्बन नंबर 3 में बच्चों जो OH होता है वो लेफ्ट साइड होता है। अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं? डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो OH है बच्चों वो कहां पे है? किस साइड है? लेफ्ट साइड है, 3 नंबर पे। और इसको हम इस तरीके से ट्रिक से याद रखते हैं कि ये आपका सीधा हाथ है,
तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो देखिए सारे कार्बन का जो फिंगर है वो अपनी तरफ पॉइंट हो रहा है, यानी कि सारे OH कहां पे हैं, राइट साइड में। और इसका अवे है, यानी कि इसका OH थर्ड कार्बन का कहां पे है, अवे है, यानी कि लेफ्ट साइड में है। क्लियर? तो यहां पे ये प्रॉब्लम खत्म हुई। अब बच्चों क्या होता है कि जो ये ओ होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप जानते हैं, और ये कार्बन नंबर फिफ्थ के एच को अपने पास बुला लेता है, मोहब्बत होती है इसकी अलग, बुला लेता है। और जब ये बुला लेता है तब इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो ये हमें ऐसा देखने लगता है कुछ, एक दो तीन चार पांच छ, तो यहां पे ओ एच एच ओ एच। पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे हैं बिल्कुल, फिर उसमें हम लोग चेंज करेंगे, और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस में अभी नहीं हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हो जाए तो आप बिल्कुल प्रो बन जाइए, मैं तो कहता हूं। करेक्ट। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। क्या क्या चेंज करना है हमको सर? सबसे पहले तो थर्ड वाले को हमको चेंज करना है, यहां पे हमें लिखना है H और यहां पे लिखना है OH। क्लियर? उसके बाद में बच्चों यहां पे इस H को उड़ा के हमें कहां पहुंचा देना है, इसके पास में, यानी कि अब ये क्या हो गया है, H हो गया है। और जो ये बच्चों O है ना, इसकी बीच में शेयरिंग हो जाएगी कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ में, और इसकी शक्ल हमें कुछ ऐसी दिखने लगेगी, और इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल लिंकेज। क्या बोलते हैं बच्चों? हेमी एसिटल लिंकेज बोलते हैं इसे। क्लियर? और आपने अब देखा कि यह हल्के हल्के अपना रूप बदल रहा है, क्योंकि ग्लूकोस आप जानते हो चैन से रिंग में कन्वर्ट हो जाता है और रिंग से चैन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये चाहता है कि मैं इसे रिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो आइए इसकी चाहत को हम पूरा कर देते हैं। तो इसे हम कर रहे हैं रिंग में कन्वर्ट, और आप जानते हैं कि ग्लूकोस में जो रिंग होती है वो कौन सी होती है? पाइरेनोज रिंग होती है। कौन सी होती है? पाइरेनोज रिंग होती है, यानी कि फाइव मेंबर्ड रिंग है ये। कितने मेंबर? फाइव मेंबर। चलिए बना के देखते हैं। ये देखिए ये है ओ, और इस तरीके से ये होती है पाइरेनोज रिंग। यहां पे है सी एच टू ओ एच, ये देखिए सी एच टू, सॉरी अब मैंने ओ एच बना दिया, सी एच टू ओ एच। क्लियर? ये है कार्बन नंबर फर्स्ट, ये है कार्बन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये देखिए ये है कार्बन नंबर सिक्स। तो बच्चों अगर हम लोगों को रिंग बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए H, ये है OH, फर्स्ट नंबर कार्बन पे हमें कोई टेंशन नहीं लेना। सेकंड पे देखिए ये है H, नीचे क्या है OH। थर्ड पे थोड़ा सा हमें टेंशन लेना है, रुकना है, क्योंकि यहां पे पोजीशन डिफर है, तो यहां पे OH ऊपर आएगा और H कहां आएगा? नीचे। उसके बाद में फिर से आगे वाले में बिना किसी टेंशन के हमें यहां पे लिखना है OH, H, और यहां पे H, और यहां पे ये OH ऊपर चला गया है CH2OH। इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोस। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोस। अगर ध्यान से सुनिए, अगर किसी ग्लूकोस की रिंग में जो फर्स्ट नंबर का OH है वो ऊपर की साइड है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ अपनी ये बातें बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी रिंग है जिसमें जिसमें सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, बस ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है इसका OH ऊपर, H नीचे, बाकी देखिए सर सब कुछ वैसा ही है जैसा इस रिंग में हमको दिखाया गया है। अगर ऐसा कोई रिंग है जिसमें फर्स्ट वाले कार्बन का OH ऊपर है, तब मैं इसको कहता हूं बीटा डी ग्लूकोस। क्या बोलता हूं बच्चों? बीटा डी ग्लूकोस। देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत बिल्कुल हलवे की तरह। देखिए छह कार्बन हमने बनाए, छह कार्बन के बाद में पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, थर्ड नंबर कार्बन को छोड़कर बाकी सारे OH कहां पे हैं? राइट साइड में। थर्ड नंबर का OH कहां पे है? लेफ्ट साइड में। उसके बाद में देखो यहां पे फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन की शेयरिंग होती है
ओ की, एच कहां पहुंच जाता है, ऊपर बन जाता है ओ एच, और देखिए यहीं से ही रिंग का फॉर्मेशन होता है। अगर रिंग में ओ एच नीचे की तरफ है फर्स्ट कार्बन में तो ये अल्फा डी ग्लूकोस है, और अगर ओ एच ऊपर की तरफ है तो ये बीटा डी ग्लूकोस है। और अल्फा और बीटा में इतना सा ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे ये हमारा ग्लूकोस का स्ट्रक्चर बच्चों खत्म हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।